और आपको बताएं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हमला बोला है। उनका यूपी में कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के मुखिया केरल चले गए हैं, यूपी में कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। ब्रजेश पाठक के बोले, उपमुख्यमंत्री हैं और भारत जोड़ो यात्रा जब आज के दिन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है तो ऐसे आक्रमण किया है उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर। देखिए क्या कह रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, आज राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई है, उन्होंने मंदिर से शुरुआत की है यात्रा की, क्या कहें? कल हमने किसी मजार पर उनको देखा था टेलीविजन पर, तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के बातों करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनको पहले अपना धर्म तो स्पष्ट करना चाहिए, किस धर्म से आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा नहीं हो रही, सिर्फ 3 जिलों में हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई है और उनके मुखिया स्वयं छोड़ करके उत्तर प्रदेश को केरल चले गए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश से उनका कोई मतलब तो है नहीं। आपको लगता है कि यात्रा का कोई असर पड़ेगा? नहीं, यात्रा का कोई मतलब नहीं, आ ही नहीं रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ करके वो केरल चले गए हैं। देखा आपने, ब्रजेश पाठक से बात की शुरुआत की है कहते हुए कि कल उन्होंने मजार पे देखा था, आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपना धर्म स्पष्ट करना चाहिए। आक्रमण की लाइन बिल्कुल स्पष्ट है बीजेपी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।